मैं तुहानू चेतावनी दिना, आ अंदोलन समाप्त होया, जिहड़ियां तुसीं वड्डियां वड्डियां जायदादां बणाईआं ना, असीं सारियां होर तां कोई तुहाडा भाईवाल नंगा करे ना करे, असीं आगे तुहानू नंगे करांगे। जे सरकार नूं हाले भी समझ नहीं आई तां मैनूं लगदा है आउण वाले समें च बहुत छेती या तां मोदी दी सरकार दा भोग पै जाऊ या फिर किसानां दे अंदोलन दी जित होऊ। अज बदकिस्मती है देश की राजनीति जो लोग आ रहे ने जेडे एदे च इन्वेस्टमेंट करके मुड़ के पैसे कमाने चाहते ने। कोई ये आस करे भी असी पिछे मुड़ जावांगे वो बेवकूफा की दुनिया में वसदा होगा। पंजाब नूं लुट्टण लगे हो पिछले 40-45 साल तो जिहड़ी पहली पीढ़ी सी उन्हें कुछ किया तो दूजी पीढ़ी ने तो आके बेड़ा गर्क कर दिता। ते अज तां तुहाडा धर्मी पैसा हो गया। इतों माड़ी निंदनयोग होर कोई गल हो नहीं सकती। थोड़ा बहुत शर्म हया करन, उन्हां नूं वोटां दी पई है, सानू अपने भविख की पई है। मैं उन्हूं कहा जिहड़े उत्थे बैठे ने ना हुण वो तां कहिंदे मर जांगे या तां जित के वापस जावांगे नहीं लाश वापस जाऊ। इह जे लोकां नूं तुसीं किवें हरा दिओगे। बहुत ही सत्कारयोग सिंघू बॉर्डर की साढ़े लिए पवित्र धरती उत्ते संघर्ष कर रहे किसान भरावो, भैनों, बच्चियो, नौजवानों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं खिमा चाहना, काफ़ी दिनों तो सेहत ठीक नहीं सी, हस्पतालां दे चक्कर कटदे हां तुहाडे विच गैर हाजिर रहा, पर मन इत्थे ही सी। मैं इस गल लई तुहानूं वधाई देंगा, तुसीं दुनिया का इतिहास रच दिता है। मैं भावें हस्पताल च सी, मैं भावुक हो जांदा सी जदों मैनूं विदेशां दियां यूनिवर्सिटियां तो टैलीफोन आउंदे सी, असी रिसर्च करन आउणा है। कोई कहिंदे सी असी फिल्म बनाउणी है। ये ऐसा इतिहासक अंदोलन हो निबड़िया जिहदी दुनिया च किते कोई मिसाल नहीं। मैं एक गल हमेशा तुहानूं कही है और तुसी उहदे ते अमल कीता, इसे करके शायद असी अज तक इस अंदोलन नूं इस थां ते लैके आए हां। मैं कहिंदा हुंदा सी भी लोको याद रखियो, जिहड़े लोग डिसिपलिन च रहिंदे ने उह जितदे ने, जिहड़े शांतमई रहिंदे ने उह जितदे ने, जिहड़े हिंसक हो जांदे ने हथ पैर चला के लाठी गोली ते आ जांदे ने उह हमेशा हारदे ने। इसलिए तुहानू बार बार कहा जे शांतमई रहोगे तुसी जितोगे, जे हंसक होगे तो मोदी जितेगा। तुसी इस गल नू पल्ले बन्नेया ते अज उहदा नतीजा साडे सामने है। ये वक्री गल है भी मोदी वर्गा अड़ियल प्रधानमंत्री अज दुनिया च किसे नू नहीं मिलिया, और दुनिया दे वख-वख देशां दे मुखी अज उन्हूं डिक्टेटर कहन लग पए ने, हिटलर नाल तुलना करन लग पए ने, और कोई देश इस प्रधानमंत्री नूं अपने देश विच बुला नहीं रहा। जदके इस अंदोलन तो पहला उहदा एक पैर दिल्ली हुंदा सी, दूजा पैर वाशिंगटन हुंदा सी। एक वारी दिल्ली आउंदा सी, दूजी वारी कनेडा दी राजधानी हुंदा सी। कदे दिल्ली आउंदा सी जापान चला जांदा सी, कदे दिल्ली आउंदा सी चीन चला जांदा सी। जिहदा 1,000 करोड़ रुपये का सालाना खर्चा हवाई जहाज़ों ते उड़न का साढ़े सिर पैंदा सी। अज जदों ये अंदोलन शुरू होया उहदी बुद्धि भ्रिष्ट होई, उन्हें 1,8700 करोड़ का जहाज़ अपना ही खरीद लिया सरकारी खर्चे ते,
ते जिद्दण दा वह जहाज आया उन्हें एक भी उड़ान नहीं भरी वह एंकर दे हेठां खड़ा है। ये तुहाडे अंदोलन दा है सिट्टा। और मैं समझदा धार्मिक ग्रंथां च हिंदुआं दे ग्रंथां च लिखिया है विपरीत बुद्धि विनाश काले। जदों किसी का विनाश होना हुंदा है उहदी बुद्धि भ्रिष्ट हो जाती है। इस सरकार का विनाश होने का समा हो गया, नाश होने का समा आ गया। तुहाडे इस अंदोलन ने पंजाब तो चल के कन्याकुमारी तक पैड़ा पा दित्तियां। तुसीं इत्थों बैठे कोई ऐलान करदे हो सारे देश विच लोग उहदे ते पुग जांदे ने। इन्हां दी नींद हराम होई है पर जिद्दी है। अज RSS नूं वक्त पिया है। RSS दे मुखी इत्थे दिल्ली च बैठे ने 15 दिनां तों। पता नहीं इहनूं क्यों नहीं समझ आ रही। और किसानां नाल पंगा लै लिया वह भी उहनां नाल जिन्हां दा पिछोकड़े है भी वह जद अगे वध जांदे ने पिछे कदे मुड़ना जाणदे ही नहीं। असीं पंजाबियां ने इस अंदोलन का धुरा बने। असीं पंजाबी कोई ये आस करे भी असीं पिछे मुड़ जावांगे वह बेवकूफां दी दुनिया विच वसदा होएगा। पंजाबी पिछे मुड़न वाले नहीं। हरियाणा साडा भरा है, साडे वर्गी मिट्टी च पलिया, साडे नाल रहा हुण तक, ते वह भी साडे वांग उस तरह डटिया खड़ा है। यूपी दे वीर उधर गाजीपुर बॉर्डर ते बैठे ने। जे सरकार नूं हाले भी समझ नहीं आई तो मैनू लगता है आने वाले समय बहुत छेती या तो मोदी की सरकार का भोग पै जाओ या फिर किसानों के अंदोलन की जित हो। विच विचाले कुछ नहीं, मोदी की पार्टी विच इन्ना ज्यादा कलेष है इस अंदोलन नूं लैके। बगावत है मोदी की पार्टी विच। भारतीय जनता पार्टी के वड्डे वड्डे लीडर सीनियर आगुआं दे गली पए होए है। RSS जिहड़ी इहदी मुख करता धरता है उन्हां कोल जा रोज शिकायतां करदे है भी इहनूं मत दिओ, सानूं लोक पिंडां च नहीं वड़न दे रहे। ते इह तों की सामने आउंदा है, इहदा मतलब इह है जदों हुण उहनां दे घर च कलेश पिआ या तां मन्नणगे या भज्जणगे। अद विचाला नहीं होणा। मैं बहुत नहीं बोल सकना, मैं एक गल जरूर तुहानूं अज सांझी करनी है तुहाडे नाल। सिहत हाले इन्नी वधिया नहीं भी मैं कोई लंबा भाषण कर सकां। मैं साडे पंजाब विच जिहड़े पोलीटिकल लीडर ने उहनां नूं चेतावनी देनी चाहुंदा। असी पंजाब दे लोक इत्थे बैठे हां धरने ते इक अंदोलन च। इस अंदोलन ने उहनां नूं अक लाउणी चाहीदी है। लोकां नूं सब कुछ समझा दिता। इस अंदोलन ने पोलीटिकल लोग की करते ने, क्यों करते ने, यह सारा कुछ समझा दिता। अज बदकिस्मती है देश की राजनीति जो लोग आ रहे ने जेड़े एदे च इन्वेस्टमेंट करके मुड़ के पैसे कमाने चाहते ने। सानू सब पता है। याद रखो मैं तुहानू चेतावनी दिना, आ अंदोलन समाप्त होया जिहड़ियां तुसीं वड़िया वड़िया जायदादा बनाईया ना असी सारिया होर तो कोई तुहाडा भाईवाल नंगा करे ना करे असी आगे तुहानू नंगे करांगे। तुहानू यह एवें नहीं असी जान दिंदे। पंजाब नूं लुट्टण लगे हो पिछले 40-45 सालों तो। जिहड़ी पहली पीढ़ी सी उहने कुछ कीता ते दूजी पीढ़ी ने ते आके बेड़ा गर्क कर दिता। ते अज तां तुहाडा धर्मी पैसा हो गया। साडे इत्थों एक फैसला हो गया सी भई असी सारिया का विरोध करांगे। उहदे ते मैं तां उस फैसले दे विच मैं तां हस्पताल सी, पर कुछ लोगों ने फिर कहा भी इहदे नाल उलझ जाएगी। ताणी उहनूं रिव्यू किया और यह फैसला किया भई असी भाजपा का उस तरह विरोध करांगे जिदा असी करते सी। पर यह भी वो याद रखन, वो अपनी शर्म थोड़ा बहुत शर्म हया करन। उहनां नूं वोटां दी पई है, सानू अपने भविख की पई है, सानू अपने बच्चों की फिक्र पई है, उन्हां नूं वोटां की फिक्र पई है। मैं समझदा इस गल नूं अज पंजाब दा बच्चा बच्चा समझ गया सिवाय राजनीतिक पार्टियां दे। जे वह अपने आप जाणगे फिर भी इहो जी उहनां दी दुख दी रख दे हथ रखणगे। लोकां ने बर्दाश्त नहीं करना, उहनां नूं कुछ शर्म है होनी चाहीदी है। इखलाक कोई चीज़ हुंदा है जदों अपने लोग घर घर दा बच्चा
इस अंदोलन विच मानसिक तौर पर जुड़िया होया है। हरेक दे घर दे चुल्हे ते गल्लां हुंदियां ने, पंजाब हरियाणे च तां खास तौर पर घर घर गल्लां हुंदियां ने इस अंदोलन दियां। ते तुसीं तुहानूं वोटां दी पई है, कुर्सियां दी पई है, इदों माड़ी निंदणयोग होर कोई गल हो नहीं सकती। तो असी ये कभी बर्दाश्त नहीं करांगे, सानूं मजबूर ना करो, असी होर सख्त स्टैप लईए। अपने आप पार्टी पद्धर ते फैसला करो भई जदों तक किसान अंदोलन समाप्त नहीं होंदा उदों तुसीं वोटां दी कहानी पाउण वास्ते पिंडां च नहीं जाओगे, ते जिहड़ा जाऊगा फिर फेस करूगा। तो इसलिए मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करनी आ, अखीर च बहुत सारिया गल्लां करन नूं दिल तां करदा है पर मुश्किल सेध दी है, साह चढ़दा हले भी। डाक्टरां ने कहा भी ब्लॉकेड है, हौली हौली दूर होऊ, तो पहला बाईपास हो चुकी है, इस करके छेती बाईपास करन नूं तैयार नहीं। तो मैं भी अंदोलन तो बहुत देर दूर नहीं सी रह सकता, इसलिए तुहाडे विच आ गया, हाजर हाँ इत्थे ही रहांगा जदों तक ये अंदोलन चलेगा। मैं तुहानूं यह बेनती करनी है, झोना लाउण दा समां भी खत्म होण वाला है। ये ठीक है असी अपनियां फसलां भी उन्हां दी सांभ संभाल भी करनी हुंदी है, घरेलू काम भी हुंदे ने। असी इस देश दे वासी हाँ, असी कोई पॉलिटिशियन नहीं। तो असी झोना ला के जिन्होंने ला लिया उन्हां नूं फिर चाहिए वापस इत्थे आउण लई, मोर्चे नूं वड्डे जत्थे बनाउण और इत्थे आके अपनी जिम्मेवारी समझण। तो बाकी जिहड़े पिंडां च भरा बैठे ने उन्हां नूं आपो अपने पिंड दे लंगर तों उन्हां दियां जरूरतां दा जिहड़ा ओह पता कर लेना चाहिए, जो चीज़ चाहीदी है उहदी जिस तरह अगे आ रही है सानूं। मैं धन्नवादी हाँ उन्हां दा, कदे किसी चीज़ की कमी नहीं आउण दित्ती, तो मैनूं उम्मीद है भी हुण भी आउण नहीं देणगे। तो मैं उम्मीद करदा तुसीं सारे इस तरह डटे रहोगे। मैनूं कोई मेरी खबर नूं आया पुछदा है, मैं उन्हूं कहा जिहड़े उत्ते बैठे ने ना हुण, उह तां कहिंदे मर जाँगे या तां जित के वापस जावांगे नहीं लाश वापस जाऊ। इहो जे लोकां नूं तुसीं किवें हरा दिओगे, इहो जे लोक कदे हार नहीं सकते। तो मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवादी हाँ, तुसीं जिस तरह गर्मी दे विच इन्नी लू दी धुप दे विच जिथे तुसीं बैठे हो, तुसी अपनिया घर दियां सुख सहूलतां सारियां छड्ड के इत्थे आपो अपने तंबूआं दे विच अपनियां ट्रालियां दे विच बैठे हो, ते बहुत वड्डी कुरबानी है, बहुत वड्डी कुरबानी है। ये कुरबानी किसे किसे दे लेखे आउंदी है। मैं उम्मीद करदा इसे तरह जारी रखोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।